गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास बेटा, दिस इज योर चैप्टर नंबर 11, दैट इज फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, जिसके बारे में हम फोर्स के बारे में पढ़ चुके थे. टाइप ऑफ फोर्सेस हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसके अंदर हमने फ्रिक्शन रीड कर लिया था. एक तो ग्रेविटी पढ़ा था, एक पढ़ा था फ्रिक्शन. और फ्रिक्शन में क्या पढ़ा था कि फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी चीज को रोकने में, ठीक है, किसी भी चीज को स्टॉप करने में हमारी हम लोग की मदद करती है. ठीक है, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट. कि फ्रिक्शन से कैसे हीट निकलती है, गर्मी निकलती है. व्हाट हैपन व्हेन यू मसाज योर हेड विद द अदर हैंड, विद द अदर, यानी जब आप अपने हैंड्स को ऐसे रब करते हैं तो क्या होता है, डू दे गेट वार्मर, तो क्या वो गर्म हो जाते हैं. दिस इज ड्यू टू फ्रिक्शन, और ये क्यों होता है, फ्रिक्शन की वजह से. हीट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन देयर इज, हीट कब प्रोड्यूस होती है बेटा, जब फ्रिक्शन बिटवीन टू सर्फेसेस, यानी कोई दो चीजें रब हो रही हो और उनके बीच में फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा हो. व्हेन अ स्पेस शटल रिटर्न बैक फ्रॉम द स्पेस, यानी जब एक स्पेस शटल, यानी आप ऐसे लगा सकते हो एक छोटा सा रॉकेट जैसा, उसके एक पार्ट को हम स्पेस शटल बोलते हैं, जब वो स्पेस से वापस आ रहा होता है अर्थ के एटमोसफेयर में, एंटर्स अर्थ एटमोसफेयर, टू मच एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यू टू द फ्रिक्शन. तो क्योंकि वो वापस आ रहा होता है और एक एटमॉस्फेयर जो होता है वो उसको रोक रहा होता है, इसके कारण से वहां पर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती है और बहुत ज्यादा वो एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करने लगता है बिटवीन फास्ट मूविंग स्पेस क्राफ्ट एंड द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ. और ये फ्रिक्शन किन दो चीजों के बीच में प्रोड्यूस होती है, एक तो स्पेस क्राफ्ट जो वापस आ रहा है और एटमॉस्फेयर जो है हमारी अर्थ की जो उसको रोक रही है उसकी वजह से. स्पेस क्राफ्ट टर्न्स हॉट एंड रेड ड्यू टू दिस एनर्जी, और स्पेस क्राफ्ट जो है वो हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, और इतना गर्म हो जाता है कि उसका रंग ही रेड कलर का हो जाता है, ठीक है, फ्रिक्शन के कारण. अब यहां पर आपको लेट्स रिकॉल दिया हुआ है बेटा, ठीक है, यानी जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसमें से आपको ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि फोर्स कैन चेंज द डैश ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी फोर्स जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट का क्या चेंज कर सकती है, ये हमने पीछे पढ़ा था, तो आपको ढूंढ कर ये बुक वर्क फिल करना है. द फ्रूट फॉल्स फ्रॉम द ट्री ड्यू टू अर्थ, यानी फ्रूट जो है वो नीचे गिरता है, जमीन पर गिरता है अर्थ की किस चीज की वजह से. डैश कॉज वियर एंड टियर इन मशीन, और एक ऐसी चीज जिससे वियर और टियर होता है मशीन में उसको क्या बोलते हैं. डैश कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट की शेप और एक ऑब्जेक्ट की जो शेप है वो किस तरीके से चेंज हो सकती है, किस चीज के द्वारा, ठीक है, तो वो यहां पर लिख सकते हैं. स्मूथ ऑन द सर्फेस लेसर द, यानी जितनी स्मूथ सर्फेस होगी उतना कम क्या चीज होगी वो आपको यहां पर लिखना है. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द वर्क, यानी अब वर्क क्या होता है वो हम पढ़ेंगे. वर्क इज सेट टू बी डन, एक वर्क कहा जाता है कि कुछ काम हुआ है. व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, यानी जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगी हो और वो मूव हुआ हो, ठीक है, यानी अगर आप किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं और वो मूव नहीं हो रहा, सपोज आप दीवार है, दीवार को आप धक्का दे रहे हो तो वो हिलेगी तो नहीं, तो यानी आपका वर्क जो है वो जीरो है. जब तक आप जिस चीज पर फोर्स लगा रहे हो वो हिले नहीं, आपका वर्क क्या माना जाएगा, जीरो माना जाएगा, चाहे आपकी कितनी भी एनर्जी उसमें लगी हो. व्हेन वी हिट अ बॉल, जब आप एक बॉल को हिट करते हो, द बॉल मूव्स एंड चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी जिस भी डायरेक्शन में वो जा रही होती है, जैसे एक बॉलर है वो आपको ऐसे बॉल फेंक रहा है और आपने यहां से बैट से मारा तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो यहाँ या यहाँ या यहाँ, ठीक है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है. तो क्या है कि जब आप फोर्स अप्लाई किया आपने तो उसकी जो बॉल थी उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई, यानी वर्क गेट डन, इसका मतलब क्या, वो काम हो गया, यानी जो हम लोग को जब हमने फोर्स लगाई तो उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव हो गया, तो इसीलिए वर्क डन आपका माना जाएगा. अगर वो मूव नहीं होता तो आपका वर्क डन क्या होता, जीरो. ऑन द अदर हैंड, और दूसरी साइड पे, इफ यू पुश अ वॉल, जब आप एक वॉल को पुश करते हो, इट डज नॉट मूव, तो वो मूव नहीं करेगी, दैट मीन्स नो वर्क हैज बीन डन. और इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको अभी समझाया था कि कोई भी काम नहीं हुआ है, वर्क डन जीरो है. इफ समबडी इज होल्डिंग अ हैवी लोड इन हिज हैंड, यानी किसी ने बहुत भारी सामान जो है अपने हाथ में उठा रखा है, आफ्टर सम टाइम्स ही गेट टायर्ड, तो कुछ देर में वो थक जाएगा. द वेट बिकम हैवियर फॉर हिम, और अब उसको और ज्यादा भारी लगने लगेगा वो सामान, क्योंकि उसने बहुत समय तक उठा रखा है. Although no work is done, हालांकि यहां पर कोई काम नहीं हुआ क्योंकि उसने सामान को सिर्फ उठा रखा है, मूव नहीं किया है, दैट सीम्स हैवियर देन बिफोर, फिर भी वो जो लोड था, वो जो सामान था, वो और ज्यादा भारी
लगेगा। When we push it on the ground, और जब आप उसको ग्राउंड पे पुश करेंगे, that is noted to be work done. मगर जब आप ग्राउंड पे उसको पुश करेंगे और उसको धक्का देंगे और अपनी जगह से हिलाएंगे, तब आपका वर्क डन माना जाएगा। We calculate it with the formula. और अब वर्क डन अगर किसी चीज का निकालना है तो आपको एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी कितनी फोर्स अप्लाई करी है और कितना डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट ने तय किया है, यानी कितनी दूर तक वो मूव किया है। तो ये आपके वर्क डन का फॉर्मूला है जो आपको याद करना है और नोटबुक में भी लिखना है, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी। अब हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होती है एनर्जी और किस किस टाइप की एनर्जी होती है। वी नीड एनर्जी टू प्ले एंड वर्क, यानी आपको हमेशा एनर्जी की जरूरत होती है जब भी आपको खेलना होता है, कहीं पर जाना होता है, राइट। कभी कभी आप बहुत ज्यादा काम कर लेते हो पूरे दिन में और थक जाते हो और शाम तक आपको ऐसा लगता है कि अब तो मैं खाना खाने भी नहीं जा सकता, मेरे को बस रेस्ट चाहिए। तो हमेशा हर काम के लिए अगर आपको एक कदम दो कदम भी चलना है या ऊपर से लेकर नीचे तक भी जाना है तो आपको कुछ एनर्जी चाहिए होती है अपनी बॉडी के अंदर। इट इज एसेंशियल फॉर आर एक्टिविटीज, तो ये हमारी एक्टिविटी के लिए जो भी काम हम करते हैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। वी नीड एनर्जी फॉर स्पीकिंग लाफिंग टू, यानी हमें एनर्जी चाहिए होती है चाहे हम थोड़ा सा बोलें या हंसे, हर चीज के लिए हमें एनर्जी चाहिए। द एबिलिटी टू डू द वर्क टू डू सम वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, यानी आपकी एबिलिटी जो कुछ काम कर पाए, ठीक है, यानी आपकी काम करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी। यानी अगर आप में एनर्जी नहीं है तो आप कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए आप सोते हैं ताकि नेक्स्ट डे आपकी जो एनर्जी है वो वापस बॉडी में आ जाए, आपकी बॉडी को रेस्ट मिल जाए और आप दोबारा से अपना काम शुरू कर सके। अब यहाँ हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी के क्या क्या स्रोत हैं, क्या क्या जरिए हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सन, यानी सबसे बड़ा सोर्स जो है हमारा, जो मेन सोर्स है वो है सन, ठीक है। सन से हमें एनर्जी मिलती है। इट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ, और ये प्राइमरी सोर्स यानी सबसे पहला सोर्स है, सबसे ज्यादा जरूरी सोर्स है जो अर्थ पे एनर्जी देता है। इट गिव अस हीट एंड लाइट, और ये हमें हीट और लाइट देता है। कभी आपने देखा है सर्दियों में आप ना बड़े ठंड से जम से जाते हो, आप में ज्यादा एनर्जी नहीं रहती, आपका जाने का मन नहीं करता, क्यों? क्योंकि आपकी जो एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है वो थोड़ा सा ब्लॉक हो जाता है, मतलब वो कहीं जाता नहीं है, बट बादलों से या ठंड से वो ज्यादा दिखता नहीं है, धूप आती नहीं है, रेज आती नहीं है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपको जो है एनर्जी इतनी नहीं होती जितनी गर्मियों में होती है, ठीक है। तो ये क्या, इसका क्या मतलब हुआ कि सन जो है वो आपको एनर्जी देता है। वी यूज सनलाइट टू कुक आवर फूड। अब हम, एक होता है सोलर कुकर, सोलर का मतलब होता है सूरज से, सूरज की रोशनी से या सूरज जो भी हमें एनर्जी दे रहा है उससे चलने वाली चीजें। अगर वो सोलर कुकर है यानी सूरज की किरणों से चलता है, सोलर पैनल है। पैनल क्या होते हैं, ऐसे आपने देखे होंगे ब्लू कलर के बॉक्सेस टाइप किसी किसी के घर पे लगे होते हैं, यानी वो क्या करते हैं उससे अपने घर की बिजली पानी ये सब चलाते हैं सूरज की रोशनी से, ठीक है। उनको बिजली की जरूरत नहीं होती, वो सूरज से का इस्तेमाल करते हैं एनर्जी किसी भी चीज को अपने घर की चलाने के लिए, ठीक है। तो उनको बोलते हैं सोलर पैनल, सोलर कुकर। कई सारी सोलर की चीजें आती है, यानी वो सोलर की जो रेज होती है उसको अपने अंदर ट्रैप कर लेती है और फिर हेल्प करती है। यानी अगर कुकर है तो खाना बनाने में हेल्प करेगी, सोलर पैनल है तो बिजली देने में, ये इन सब में मदद करेगी, ठीक है। तो हम सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए अगर आपके पास सोलर कुकर है तो, एंड हीट आर वाटर इन सोलर हीटर, और अगर आपके पास सोलर हीटर है तो आपका पानी भी गर्म हो जाएगा सूरज की रोशनी से। एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम फूड कम फ्रॉम सोलर एनर्जी, कोई भी एनर्जी जो हम फूड से लेते हैं वो हमें सोलर एनर्जी से मिलती है, ठीक है। प्लांट यूज सनलाइट टू मेक देयर फूड, क्योंकि प्लांट जो होते हैं उनको भी बहुत ज्यादा सनलाइट चाहिए होती है खाना बनाने के लिए। अगर सन नहीं होगा तो खाना वो नहीं बना पाएंगे, और अगर वो खाना नहीं बनाएंगे तो यानी उनके फ्लावर्स और उनकी जो सब्जियां होती है वो हम तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जब वो खुद ही मर जाएंगे तो खाना कहां से देंगे, तो यानी सब लोग मर जाएंगे। और ह्यूमन एंड एनिमल ईट द फूड फॉर एनर्जी, और ह्यूमन और एनिमल्स जो होते हैं वो यही खाना जो प्लांट्स खुद बनाते हैं वो हम लोग को दे देते हैं और हम उसी से एनर्जी जो है वो लेते हैं, ठीक है। तो यानी अगर सूरज नहीं होगा तो ना प्लांट्स अपना खाना बना पाएगा, और प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएगा तो हम तक खाना नहीं पहुंच पाएगा। विंड, अब आते हैं हवा की बात करते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, यानी हवा जो बहुत तेज चलती है उसको विंड बोलते हैं, ठीक है। विंड हैज एनर्जी टू डू द वर्क, अब विंड के पास भी एनर्जी होती है काम करने की। इट इज यूज टू रोटेट द ब्लेड्स ऑफ द विंड मिल, ये विंड मिल होती है, यानी खाली मैदान में बड़े बड़े ऐसे पंखे से लगाए जाते हैं जो घूमते हैं और हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हवा से ये पंखे
घूमते हैं, जितनी तेज हवा होगी उतनी तेज ये घूमेंगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में मदद करेंगे। इट इज ऑल्सो यूज टू मूव सेल बोट, और बोट आपने देखी होगी उसके अंदर पंखे लगे होते हैं, या फिर आपने ऐसी वाली बोट देखी होगी जिसमें कपड़ा लगा होता है, देखी होगी टीवी में आता होगा, कार्टून में या फिर कहीं पर भी। तो ये क्या है, ये हवा का इस्तेमाल करती है चलने के लिए, जिस तरफ हवा होगी बोट उसी तरफ चलेगी। इन ओल्डर डेज शिप वर मूव्ड बाय द एनर्जी ऑफ विंड, और पुराने समय में शिप्स, बड़ी बड़ी शिप्स जो थी वो भी विंड का ही इस्तेमाल करती थी। जब क्या कहते हैं, ब्लेड्स वगैरह नहीं बने थे जैसे आज की शिप्स हैं जिसमें एनर्जी लगती है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, ठीक है, फ्यूल लगता है, डीजल पेट्रोल इन सब से चलती हैं वो, ठीक है। तो डीजल पेट्रोल इन सब से चलती है वो अब तो, मगर पहले ऐसा नहीं होता था, वो हवा से ही चलती थी। वाटर, स्टोर्ड वाटर ऑल्सो हैज एनर्जी, यानी पानी जो रुका हुआ होता है, स्टोर जो होता है जिसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, वो भी हमें एनर्जी देता है। द वाटर दैट इज स्टोर इन अ रिजर्वॉयर और द डैम, ये रिजर्वॉयर्स होते हैं, डैम्स होते हैं, ठीक है, ये जो है हमें एनर्जी के लिए, हम क्यों बनाते हैं डैम्स, ताकि पानी को इकट्ठा कर लें और उससे एनर्जी ले पाए, इसीलिए हम डैम्स बनाते हैं। व्हेन द वाटर इज रिलीज, जब पानी रिलीज होता है यानी यहाँ से जब खुलता है, ये बंद भी हो जाते हैं, जब पानी खुलता है इट मूव एंड रोटेट द टर्बाइन्स ऑफ द जनरेटर टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो यहाँ पर एक जनरेटर होता है, आप ये समझ लो जनरेटर के ब्लेड होते हैं, ठीक है, जैसे पानी गिरता है तो वो जोर जोर से चलते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे सिंपल मशीन। सिंपल मशीन बेटा हम वीडियो नंबर अपनी 3 में पढ़ेंगे, अभी के लिए हम इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं।